हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? इस पे ले स्टूडेंट्स, हम लोग बायोलॉजी का दो क्लास लगभग दे चुके थे, क्लास टेंथ का लाइव प्रोसेस। पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को। थोड़ा बहुत उसमें हमने स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस का भी डिस्कशन किया था। लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस के दो फेज होते हैं, लाइट फेज एंड डार्क फेज। लाइट फेज जब हम लोग स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बता रहे थे, हम आपको थ्री स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तीसरा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाय हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। ये तीन स्टेप्स थे। इसके बाद आता है फेज, लाइट फेज एंड डार्क फेज। लाइट फेज में हमने बताया था कि फर्स्ट टू स्टेप जो है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी बाय एंड द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ NADPH2। इसी फेज में हमने देखा था कि एसिमिलेटरी पावर का भी फॉर्मेशन होता है। एसिमिलेटरी पावर है ना, द कम्बाइंड फॉर्म ऑफ NADPH2 रिड्यूस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एंड ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आर कॉल्ड द एसिमिलेटरी पावर। हमने बताया था कि लाइट फेज और डार्क फेज में दोनों में अंतर भी बताया था। लाइट फेज जिसको कि हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, हिल रिएक्शन भी कहते हैं, कि लाइट फेज में जो प्लांट फूड प्रिपेयर करती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट की मदद से, उस समय में सनलाइट उसको एनर्जी प्रोड्यूस करती है। लेकिन डार्क फेज में तो सनलाइट, डार्क फेज इट इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है। पहला पॉइंट, इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमरिजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि लाइट फेज होता है, इट टेक्स प्लेस इन ग्रानरिजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। लाइट फेज में आपको ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि डार्क फेज में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डार्क फेज में आपको एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, एंजाइम आर रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो एंजाइम कौन था? RuBP, रेबेलियस बायोफॉस्फेट, जिसको कि हम लोग रुबिस्को भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि डार्क फेज में, इन दिस फेज कार्बन डाइऑक्साइड आर कंबाइंड विद RuBP, जो 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं उससे कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिमिलेटरी पावर। फिर जाके ये कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करता है और RuBP द्वारा रीजनरेटेड हो जाता है। RuBP प्लस ADP प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ। तो ये होते हैं डार्क फेज। हालांकि हमने ये भी कहा था कि लाइट फेज डार्क फेज क्लास टेंथ के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ स्टेप्स तक है, सिर्फ आपके नॉलेज में देने के लिए। जो हाँ, ये भी फेज में, लाइट फेज में प्लांट फूड सिंथेसिस करती है और डार्क फेज में भी प्लांट फूड सिंथेसिस करती है, यानी रात के समय में भी प्लांट जो है फूड सिंथेसिस करती है। इसको जानना थोड़ा सा, चूंकि कंपटीशन हमें पूछ देते हैं कि लाइट फेज कहाँ पर होता है, ग्रानुलेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, जबकि डार्क फेज स्ट्रोमरिजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर फोटोसिंथेसिस खत्म होती है। अब उसके बाद का जो टॉपिक है, उसके बाद का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अमीबा। अमीबा क्या है आप लोग जानते होंगे, क्योंकि 6th-7th क्लास से अमीबा के बारे में अक्सर टीचर बताया करते हैं स्कूल में। अमीबा, इट इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। नो, इट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। चूंकि क्लास 9 में आप पढ़े होंगे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, प्रोकैरियोटिक
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं बैक्टीरिया। और यूकेरियोटिक को दो पार्ट में बांटा गया था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा ग्रुप में ये अमीबा पैरामीशियम यूग्रिना आते हैं। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज ए यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म अमीबा। ठीक, इट इज इमॉर्टल इन नेचर, ये इमॉर्टल है एंड इट हैज ए इरेगुलर शेप एंड साइज। ये अमर है और इसके कोई फिक्स शेप साइज नहीं होते हैं अमीबा के। ओके, इसके बाद अच्छा ये अमीबा के क्यों, ये क्यों इमॉर्टल इन नेचर होता है और क्यों ये इसका फिक्स शेप साइज है, ड्यू टू साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। इसमें दो तरह का डिवीजन पॉसिबल होता है, साइटोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कैरियोकाइनेसिस कैरियर ऑफ द न्यूक्लियस है ना, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये परपेंडिकुलर कि अमीबा को किसी भी एंगल से काटा जाए इस तरह से है ना, अगर उसका एक कण भी बचेगा कुछ भी तो सिर्फ एक नया अमीबा का फॉर्मेशन कर लेगा, ये इमॉर्टल है इसलिए। ठीक है, दूसरा अब ये हम यहां पर पढ़ेंगे कि हाउ अमीबा ऑब्टेन द फूड न्यूट्रिएंट्स, कैसे। सबसे पहला कि इट हैज नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते इसमें। तो देन हाउ कैन बी इंजेस्ट द फूड, हाउ कैन इंजेस्ट द फूड, कैसे करते हैं, थ्रू द बॉडी सरफेस के द्वारा, अपने बॉडी सरफेस के द्वारा ये फूड इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जैसे ही कोई प्रे इसके पास आता है तो ये क्या करता है, हमने डायग्रामेटिकली यहां पे बताया, जैसे प्रे और फूड पार्टिकल इसके पास आया, ठीक, आने के बाद हमने अमीबा का डायग्राम भी बनाया है, यहां पे बता दिया है, बना दिया है फूड वैक्यूल, यहां जिसको फूड वैक्यूल इज आल्सो नोन एज फैगोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड स्टेप में क्या करता है कि ये एडवांस बॉडी पार्ट जिसको स्यूडोपोडिया भी कहते हैं ना, एडवांस विद द हेल्प ऑफ एडवांस बॉडी पार्ट इट फॉर्म ए कप लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द प्रे, प्रे के चारों ओर ये क्या करता है कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक, और फिर हमने थर्ड स्टेप में बताया है कि कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद वो क्या करता है, प्रे को एनगल्फ कर लेता है, एनगल्फ द फूड पार्टिकल, फूड वैक्यूल्स में फूड पार्टिकल आ गए। अब जैसे ही फूड वैक्यूल में फूड पार्टिकल एंटर किया, फूड वैक्यूल क्या करता है, यहां से एंजाइम का सिक्रीशन करता है, ठीक, डाइजेस्टिव एंजाइम का, उस एंजाइम को ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। ओके, और जैसे ही एंजाइम का सिक्रीशन, ये फूड पार्टिकल क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होके ये पूरा इसमें और विद फूड वैक्यूल्स भी फ्यूजेस कर जाता है, फ्यूजेस करने के बाद टोटल फूड वैक्यूल सब क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं, मिल गए, यानी ये कॉम्प्लेक्स फूड आर चेंजेड इनटू इट, ये डाइजेशन एक क्रिया हो गई, यहां पर हो गया इंजेक्शन, ठीक, इंजेस्ट द फूड इन फूड वैक्यूल विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया एंड डाइजेशन। After the ingestion of food, the complex food are changed into its simpler and soluble form. Steps पर चलें, ठीक? और simpler and soluble form में change होने के बाद, फिर क्या करता है कि इसमें absorption और assimilation, इसका body part जो कि unicellular organism है, absorption और assimilation दोनों एक साथ हो जाते हैं, total के total food particle जो होते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द सेल्स ऑफ द बाय द बॉडी इन साइटोप्लाज्म, एब्जॉर्ब हो गए और फिर जाके उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि द डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी है ना, यानी एसिमिलेशन में आपके द एब्जॉर्ब फूड आर यूटिलाइज बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन दोनों हो गए यहाँ पर। इसके बाद क्या होता है इस कंडीशन में, अब
जिस तरह से इंजेशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गेन्स नहीं होते हैं, ठीक उसी तरह से इंजेशन के लिए भी इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गेन्स नहीं होते। तो फिर हाउ कैन ये रिमूव द वेस्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी, जिस तरह से ये इंजेस्ट करते हैं अपने बॉडी सरफेस के द्वारा, बॉडी सरफेस के किसी भी पार्ट के द्वारा, ठीक उसी तरह से अपने बॉडी सरफेस के किसी भी पार्ट को ये रप्चर करके ये वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट कर देते हैं थ्रू आउट द बॉडी, है ना। द वेस्ट मटेरियल आर एलिमिनेट और रिमूव थ्रू आउट द बॉडी आफ्टर रप्चरिंग द एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। द रप्चर्ड पार्ट आर कॉल्ड प्लाज्मा लेम्मा, उसको प्लाज्मा लेम्मा कहते हैं, ठीक। इस रप्चर्ड पार्ट को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा लेम्मा। तो इस तरह से अमीबा अपना फूड, तो एग्जाम में आज तक देखा गया है कि क्वेश्चन में पूछता है कि हाउ कैन अमीबा इंजेस्ट द फूड, सो डायग्रामेटिकल, ठीक इस तरह से। ठीक उसी तरह से रिप्रोडक्शन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें भी हाउ कैन अमीबा रिप्रोड्यूस द न्यू ऑर्गन, सो डायग्रामेटिकल। आज तक देखा गया है कि इसमें अमीबा के केस में ये डायग्रामेटिकली ही ज्यादातर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको डायग्राम को बढ़िया से इसको नोट डाउन कर लेंगे। और अमीबा जो होता है ये होलोजोइक ओमनिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, ये फीड जो करता है मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया डायटम्स एल्गी वगैरह, ठीक है। तो ये थे न्यूट्रिशन अमीबा, ओके। यहां पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पर, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करें, थोड़े से उसके बारे में बोल दूं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इट इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस, That is called elementary canal. पूरे elementary canal की जो length होती है वो 9 meter होती है, ठीक। अब elementary canal के parts जो है वो कौन कौन है, mouth के बाद buccal cavity जिसको oral cavity कहते हैं, उसमें आ जाते हैं teeth, tongue, इसके बाद pharynx के दो part glottis और gullet, इसके बाद esophagus, food pipe, ठीक। फूड पाइप जो नॉर्मल एडल्ट पर्सन में 25 सेंटीमीटर इन लेंथ होते हैं, इसके बाद स्टोमैक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे 6 मीटर के होते हैं एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन पार्ट में बांटा गया है, ड्यूडेनम इंटीरियर पार्ट जो है, मिडिल पार्ट जेजेनम और पोस्टीरियर पार्ट इलियम, यानी ड्यूडेनम जेजेनम और इलियम। इसके बाद आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में दो पार्ट में बांटे, कोलोन और रेक्टम। कोलोन को फिर तीन पार्ट में, कौन कौन, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, और इसके बाद रेक्टम, ठीक है। रेक्टम के बाद एनस। अब उसी में एक चीज हम लोग पढ़ेंगे केकम के बारे में, केकम क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का एसेंडिंग पार्ट जो है एसेंडिंग कोलोन, जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं उस पॉइंट को, द पॉइंट बिटवीन इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द एसेंडिंग कोलोन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड केकम। इसको प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत आदमी इसको केशियम भी पढ़ते हैं, केकम भी पढ़ते हैं, तो आपकी जो इच्छा, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, सी ए ई सी यू एम केकम। तो ये थे एलिमेंट्री कैनाल के बाद। इसके बाद आ जाते हैं डाइजेस्टिव ये ग्लैंड, देयर आर फॉलोइंग डाइजेस्टिव ग्लैंड सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, जैसे सलाइवरी ग्लैंड,
गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास और इंटेस्टिनल ग्लैंड। स्लेमी ग्लैंड जो कि सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको जो कि स्टोमैक में होते हैं, स्टोमैक में उसमें उससे एंजाइम, वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम जैसे HCl, म्यूकस, पेप्सिन, रेनिन, वीक लाइटेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है, ठीक। इसके बाद लीवर जो कि गॉल ब्लैडर से बाइल जूस का सिक्रेशन, लीवर कंटेन करता है गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस से इसका सिक्रेशन होता है। इसके बाद जाके पैंक्रियाज जो कि हेटरोक्राइन ग्लैंड है, पैंक्रिया से पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन करते हैं पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। इसके बाद इंटेस्टिनल जूसेस, इंटेस्टिनल ग्लैंड इंटेस्टिनल जूसेस का सिक्रेशन करता है। इंटेस्टिनल जूसेस को सेकेंड नेम सकस एंटेरिकस भी कहा जाता है। इंटेस्टिनल जूसेस को इट ऑल्सो कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम। तो आज हमने ये सब चीज पार्ट्स के नाम बता दी। नेक्स्ट क्लास में हम पहले से डायग्राम बना के रखेंगे, फिर उसमें आपको उसका मैकेनिज्म सबका एक एक पार्ट फंक्शन बताते जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रन दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घर में सबसे बड़ी बात सेफ है, ठीक। ओके, बाय।